नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल अमेजिंग एजुकेशन न्यूज में। दोस्तों, विधानसभा का मानसून सत्र चल रहा है और मानसून सत्र के पहले दिन ही विपक्ष के द्वारा बहुत सारे सवाल उठाए गए। ये सवाल डायरेक्टली अनुदेशक और शिक्षा मित्रों से संबंधित हैं। इसमें अनुदेशक मानदेय 17,000 कोर्ट केस पर भी सवाल उठाया गया। इसके साथ साथ ये भी पूछा गया कि किस तरीके से अनुदेशक और शिक्षा मित्र अल्प मानदेय में इस महंगाई के दौर में अपने परिवार का भरण पोषण करें। इन सभी सवालों के जवाब भी आए और इन सभी के बाद जो है शिक्षा मंत्री के द्वारा एक ट्वीट की गई है। ये ट्वीट आपकी स्क्रीन पे ही है। हम सबसे पहले पढ़ लेते हैं कि इस ट्वीट में क्या लिखा हुआ है। देखिए, आज विधानसभा के मानसून सत्र के पहले दिन विपक्ष द्वारा उठाए गए प्रश्नों के संपूर्ण तथ्यों व आंकड़ों के साथ उत्तर दिए गए। तो जो सवाल उठाए गए थे, जिसमें अनुदेशक मानदेय 17,000 कोर्ट केस का सवाल था और इसके साथ साथ ये भी सवाल था कि महंगाई के दौर में अनुदेशक और शिक्षा मित्र किस तरीके से अपने परिवार का भरण पोषण करें, तो इन सभी सवालों के साथ साथ ये सवाल सबसे बड़ा उठता है कि अनुदेशकों को अपने मानदेय 17,000 के लिए कब तक इंतजार करना पड़ेगा, कब तक अनुदेशक जो है मात्र 9,000 रुपये में ही अपना जीवन यापन करते रहेंगे। इसके साथ साथ ये भी सवाल बनता है कि अनुदेशकों को जो उनकी समस्त समस्याएं हैं और उसका जो समाधान नियमितीकरण के रूप में छुपा हुआ है, वो कब सुनने को मिलेगा, कब उनका नियमितीकरण होगा और कब वो अपनी समस्त समस्याओं से ऊपर उठकर एक अच्छा जीवन व्यतीत करेंगे। तो ये सबसे पहली चीज ये बनती है कि जितने भी सवाल किए गए हैं उनका सही उत्तर तो यही है कि अनुदेशकों को उनका हक मिले, अनुदेशक और शिक्षा मित्र दोनों के ही जीवन में जितनी भी कठिनाइयां हैं उन सभी का समाधान जो है वही इन सभी सवालों का जवाब भी होगा, क्योंकि अनुदेशक और शिक्षा मित्र दोनों ही लंबे समय से इस विभाग को अपना सब कुछ दे चुके हैं और आज कंडीशन ये है कि इस महंगाई भरे दौर में भी वो मात्र अल्प मानदेय यानी कि 9,000 और 10,000 रुपए में ही अपना जीवन यापन व्यतीत करने के लिए मजबूर हैं। इससे संबंधित जो भी अपडेट निकलेगी वो लगातार मैं अपने चैनल पे आपको दिखाता रहूंगा, इसलिए आप चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन वाला बटन जरूर दबा लें और इस वीडियो को भी लाइक शेयर कर दें। धन्यवाद।